अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फ्रेंड कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर से हैं, मैं भी ठीक। फ्रेंड वीडियो आज की शेयर करते हैं इस फेडरन के ऊपर जो सिंगल है के यू का है, और यहाँ पे देख सकते हो ये दस्ती बनाया है। पहले एक दो वीडियो काफ़ी बनाए हैं इसके साथ। सी बैंड के सिग्नल हमें किस तरह मिलते हैं, मिल जाते हैं, यानी ये के यू का है। यहाँ पर एक सेटेलाइट लगाएं तो उसके आसपास जो सेटेलाइट के यू की सी बैंड की है, और मतलब ये है कि इस पर 80 लगाया जाए इस फेडरन के ऊपर, मतलब इस तरह राड उसके ऊपर LLB KU की लगाएं तो उसके साथ सी बैंड लगाएं तो सी बैंड की सेटेलाइट यहाँ पे 80 डिग्री है एक समझ लें, तो इसके साथ अब आएगी तो इस साइड के ऊपर ये नट यहाँ पे भी कस सकते हो, और दूसरी तरफ जो है एक तरफ आएगी जो है 83 और सी बैंड की, दूसरी तरफ आएगी 76 और सी बैंड की। एक्सप्रेस 80 डिग्री है ये, और बिल्कुल इसका सिग्नल जिस तरह मिल जाए, ये 78 इंच डिश है मेरा, तो बाकी वैसे इसका सेट ये फिडारन हो तो सेट इसको मतलब सेंटर में के यू आपके पास अगर मुश्किल सिग्नल हैं वो फिट कर दें, उसका सिग्नल जितना हो सके अच्छा बना लें, थोड़ा आप जिस तरह सिग्नल इसके बढ़ते हैं बढ़ा दें, मतलब जो सिग्नल होंगे वो मिलेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर फुल नट वोल्ट कस दिया जाए, फिर उसके साथ जो बाकी मल्टी सेटअप कर सकते हो। और सीधा नहीं आएगी, थोड़ा सा यहाँ वहाँ करने की जगह भी है, और बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि सीधी ये पतरी बनी हुई है, मतलब फिडारन के चार राड हैं, चार ये बनी हुई है। फिर इसके सिग्नल तो हमें ये मिल गए हैं, और जितना इसका यहाँ पे रिज़ल्ट है और 80 का मुकम्मल बना लें तो उसका जो भी ये फिर कौन सी देख लें 80 की, तो फिर कौन सी भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी दोस्तों को तो वीडियो में वो ज़रूर दिखाई जाती है, तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये आसान फिर कौन सी है सी बैंड 83 डिग्री की, तो ये देखें यहाँ पर इसका सिग्नल मिलेगा, और बाकी इसका सिग्नल यहाँ पर आसपास ही होता है लेकिन मिलता यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आप यहाँ वहाँ भी कर सकते हो मतलब, और ये तो ज़ाहिर बात है जगह हो तो आपको दिखाई दे रही होगी कि हम अब जिधर भी करें मतलब इसकी सिग्नल बढ़ भी सकते हैं, मुकम्मल जो हैं वो भी मिल सकते हैं। डिश साइज़ के हिसाब से होता है, बाकी छोटा डिश छोटा और बाकी सिग्नल इसका जो है इस तरह मिल जाता है, तो इसके ही पास मतलब सी बैंड पास में सिग्नल मिल जाता है आपको, तो ये बड़ा फ़ायदा है इस फेडरन का, ताकि हमारी सी बैंड आसानी से 76 अब स्टार ये सी बैंड की ही है, और ये भी यहाँ पे इसके साथ लगती है, 76 है, 80 है और 83 है, ये एक दो एक तीन सेटेलाइट हैं जो एक एक बिल्कुल करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ साथ करीब आते हैं, तो के यू सी बैंड का लिए ये बेस्ट है फेडरन, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल मिलेंगे कुछ इस तरह, मतलब यहाँ वहाँ आप तो जगह है कर भी सकते हो, तो सिग्नल यहाँ पे मिलते हैं, तो इसको मतलब बाकी आप देख रहे होते हैं देख रहे ही हैं जो चीज़ है, तो बाकी मतलब इस तरह फिडारन का ये बेस्ट होना ज़रूरी है कि आसपास सेटेलाइटें जो है ना आपको आसानी से मिले, तो आसानी से इस तरह मिल सकती हैं क्योंकि ये सी बैंड की और के सेंटर में के यू की और उसके साथ और सी बैंड की तीन सेटेलाइटें यहाँ पे आसपास, बाकी तो आपको पता है जो भी डिश साइज बड़ा हो तो साथ में लगा सकते हो, यहाँ पे ये देखें नट वोल्ट मजबूती से भी कर सकते हो, और बाकी इसके साथ बिल्कुल आप कोई भी मल्टी सेटअप बनाएं बड़ा बनाएं डिश के हिसाब से तो वो भी बना सकते हो, जैसे कि बोंजा की है तो वो काफ़ी अच्छी फेवरेट है लोगों की तो वो लगा सकते हो, तो बाकी इसमें 88 होगी मतलब वीडियो कार्ड तो मतलब वो भी लगा सकते हो, 95 वो भी लगा सकते हो, बाकी तो दूर दूर हैं वो तो इस फिडारन किया यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कोई भी चलता है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि करीब सेटेलाइट हो जो एक सी बैंड के यू साथ साथ में हो तो आपको ये बेस्ट है मतलब हो जाएगी इस तरह, तो इस फिडारन का ये फ़ायदा होता है कोई भी डिश हो कोई सेटेलाइट हो एक सेटेलाइट के साथ दूसरी सेटेलाइट जब हो चाहे के यू की हो चाहे सी बैंड की हो तो लग सकता है।